वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक डिटरमिनेंट्स के ऊपर है। तो सबसे पहले आपके माइंड में जो सवाल आया कि सर क्या मैट्रिक्स खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं, आपके चैप्टर का नाम ही है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो मैट्रिक्स के कुछ बेसिक अभी हमने कैलकुलेशन, कुछ बेसिक चीजें को करने के बाद अब हम डिटरमिनेंट्स पे आ चुके हैं। और डिटरमिनेंट्स के भी कैलकुलेशन को समझने के बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस को आते हैं। चलिए, अब आपके सामने टॉपिक है डिटरमिनेंट्स का। तो जैसे ही आप अपने सामने टॉपिक देख रहे हैं डिटरमिनेंट्स का, तो आपके मन में एक सवाल आया। आपके मन में क्या सवाल है इसको देख करके डिटरमिनेंट्स को, कि सर डिटरमिनेंट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, सर डिटरमिनेंट्स का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है? ये कुछ सवाल आपके माइंड में आया और कुछ इस तरीके से आप इस समय आपके दिमाग में आप चीजें जो है वो बत्ती भी जल रही है कि भैया ये चीज है क्या। तो आइए सबसे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले, कैलकुलेशन कराने से पहले, डिटरमिनेंट्स को समझाने से पहले, मैं आपके इस सवाल को क्लियर कर देता हूं कि हम डिटरमिनेंट्स को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है डिटरमिनेंट्स पढ़ने का। मुझे मालूम है आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि सर डिटरमिनेंट्स को हम पढ़ रहे थे, फिर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में क्या फर्क है। मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा आज की क्लास में, लेकिन पहला आपका जो क्वेश्चन बनता है वो क्या कि मैट्रिक्स को जो है डिटरमिनेंट्स का मीनिंग क्या है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका हमारा क्या इस्तेमाल है। पहला सवाल ये, इसका जरा आप जवाब ले लीजिए, इसका आंसर मैं कर रहा हूं। देखिए सर, एक क्वेश्चन जैसा आप अपने सामने अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो यहां पर आप ये देख पाएंगे कि एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप है जहां पर 10 मशीन है जो ड्रिलिंग करती है, 8 मशीनरी है जो टर्निंग करती है, एंड ग्रेडिंग जो है वो 7 मशीन करती है। कुछ इस तरीके के आपके एप्लीकेशन होते हैं जो आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चन। The types of brackets are made. Type 1 brackets required 0 minute for drilling, 5 minute for the turning, and 4 minute for the grading. इसी तरीके से the corresponding times for the type 2 brackets and type 3 brackets are 332 minutes, 322 minutes. और इसी तरीके से how many brackets of each type should be produced per hour so that all the machine remain fully occupied during an hour. तो तीनों मशीनों को जो है तीनों तरीके मशीनों को जो है पूरी तरीके से एक घंटे के लिए चलाया जाता है, तो कितने जो है हम ब्रैकेट्स का प्रोडक्शन एक घंटे में करेंगे, ये एक सवाल आपका है। अभी मैं इसके डिटेल पे नहीं जाऊंगा, अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा नहीं, बिल्कुल पहले बेसिक कैलकुलेशन को समझिए, उसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन पे लेके जाऊंगा और वहां पर मैं इन सवालों को अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन सिर्फ इस समय मैं इसको क्यों करवा रहा हूं, ये सिर्फ बताने के लिए कि डिटरमिनेंट्स को पढ़ने से क्या फायदा है। अब देखिए ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे, सवाल पढ़ने के बाद तो बड़ा यार ये एक पजल टाइप का लग रहा है कि अरे कैसे बता पाएंगे यार, बड़ा उलझन है। इसलिए तो आपको मैथ सिखाई जा रही है, चीजें आपके आसान हो जाए। कैसे, जरा यहां पे देखेंगे, अगर आप यहां पर कुछ इस तरीके से हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, और इस फॉर्म में लिखने के बाद अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं क्या नहीं लिखते, ये अभी की क्लास नहीं है, आगे की क्लासेस है। मैं अभी इस टॉपिक पर नहीं आया हूँ, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, उस क्लास पर जब मैं आऊंगा तो अच्छे से इस बारे में बात करूंगा। फिलहाल आप समझ जाइएगा डिटरमिनेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप जनरली इसको इस तरीके से लिख करके और आप इस तरीके से आप जो है लीनियर इक्वेशन में डेवलप करेंगे, और जब आप लीनियर इक्वेशन कुछ इस टाइप के जहां पर कि आपके एक्स वाई जेड में इक्वेशन आपके एक्सप्रेस होते हैं, तो लीनियर इक्वेशन में आप करेंगे और आप देख रहे हैं कि यहां पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स यहां पर, क्या वाई यहां पर, क्या जेड। तो अब आपके पास में देखिएगा ये ए मैट्रिक्स है, ये मान लीजिए एक्स मैट्रिक्स है, और ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में बी मैट्रिक्स है जो रिजल्ट आ रहा है। यहां से आपने कॉमन ले लिया इसमें से एक्स, इसमें से वाई और इसमें से जेड। और जब आप यहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर आप निकालें, क्योंकि आपने एक्स वाई जेड माना क्या, एक्स वाई जेड डोनेट द नंबर ऑफ ब्रैकेट प्रोड्यूस ऑफ ईच टाइप देन वी हैव, मतलब हमने एक्स वाई जेड यहां पर लेट कर लिया। और यहां पर अगर आप देखेंगे, अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, जब मैं समझाऊंगा तो ये सब सॉल्यूशन नहीं होगा, मैं खुद सॉल्व करूंगा उस चीजों को, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपने अगर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने जा रहे हो तो आपके साथ में हो क्या रहा है, आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आप ए इनवर्स फाइंड करेंगे। अब ये 12 कहां से आया आपके पास में, ये डिटरमिनेंट से आया, डिटरमिनेंट से 12 कहां से आपका आएगा, ये 12 आपका डिटरमिनेंट से आया। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि आपने ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लिया, जैसे कि आप यहां पर इस चीज को देख पा रहे हैं, क्लियर है जी। तो आपके पास में x की वैल्यू क्या होगी, मतलब x y z की वैल्यू क्या होगी, ये वहां जाएगा। तो आप इस बात को समझिएगा a into x equals a और x equals to आपका b हो गया, और आप इस x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका 1 upon a और b हो जाएगा, और x equals to इसको a inverse बोलते हैं,
जब भी किसी हम नोमिनेटर का या डिनोमिनेटर का पोजीशन चेंज करते हैं तो जो पावर है वो नेगेटिव पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो मैं इस ए को ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसके पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, तो पावर इसका जो है 1 था वो आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा। और ये बी, अब ए इनवर्स हमें निकालना है और ए इनवर्स को निकालने में किसका इस्तेमाल होता है, डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हैं हम। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, इस तरीके के एप्लीकेशंस को सॉल्व करने में हमें इनवर्स मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करना पड़ेगा और इनवर्स मैट्रिक्स को सॉल्व करने में हमें डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, सर ये इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है? बेटा इसलिए तो मैंने इनवर्स मैट्रिक्स अभी पढ़ाया नहीं है क्योंकि अभी मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़ाया। जब डिटर्मिनेंट्स की नॉलेज ही नहीं है तो कैसे इनवर्स मैट्रिक्स निकाल लोगे? मेरी बात समझे। इसलिए आज की क्लास में हम क्या टॉपिक लेकर के आपके लिए, आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं मैं, डिटर्मिनेंट्स। मेरी बात समझे या नहीं समझे बताइए जरा, क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो आइए अब मैं सबसे पहले स्टार्ट, अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पर कि सर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में क्या डिफरेंस है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में क्या डिफरेंस है? अगर मैं आपको कहूं कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि हमारे पास में यहां पर जो है फर्स्ट मैंने मैट्रिक्स ले रखा है और दूसरा मैंने आपका डिटर्मिनेंट्स लिया हुआ है, तो उसको जरा समझने की आप कोशिश करेंगे। चलिए फिर कंप्यूटर में ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो आज एक काम करिए, फिर मोबाइल से कनेक्ट कीजिए, एक बार मैं देख लेता हूं क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में क्या डिफरेंस है, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं तो यहां पर आप समझिएगा। देखिए मैं कोई एक नंबर लेता हूं मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स देखिए फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से लिखेंगे 2 5 3 1, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। और डिटरमिनेंट्स को कैसे लिखेंगे हम? डिटरमिनेंट्स को हम लिखेंगे, देखिए मैं हर एक चीज जो है धीरे धीरे बता रहा हूं आपको। डिटरमिनेंट्स को हम कैसे लिखते हैं, यही सेम चीजों को अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं 2 3 5 1। डिटरमिनेंट्स में ये आपका मॉडल उसका सिंबल रहता है। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, मैट्रिक्स एक अलग चीज है और डिटरमिनेंट्स एक अलग चीज है, ठीक है? दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी बात, अगर मैं ये बात कहता हूं कि डिटरमिनेंट्स की क्या होती है कि इसकी एक इंडिविजुअल सिंगल वैल्यू को आप फाइंड यहां पर कर सकते हो डिटरमिनेंट्स की। मेरी बात समझे, डिटरमिनेंट्स की आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहां पर फाइंड करते हैं तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आपके इसको मल्टीप्लाई, अभी कैसे फाइंड करते हैं मैं आगे बताऊंगा, फिर बता रहा हूं आपको कि डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे होगा। 2 × 1 माइनस 3 × 5, क्लियर है जी? सॉल्व करते हैं यहां पर हम, तो 2 − 15 और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -13। तो इस बात को आप जो है अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इसकी एक सिंगल वैल्यू निकाली जाती है, बट मैट्रिक्स कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं होता है। दो मैट्रिक्स का आप सम कर सकते हो, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर सकते हो, उसको जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट एक मैट्रिक्स को सॉल्व करके कोई सिंगल वैल्यू नहीं आती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहां पर सबसे पहले कुछ कुछ बातें बता रखी है, मैंने उसको लिख भी दिया है, बट आप इसको सुनते जाइए, बस आपका काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने इसको बता दिया, दूसरे नंबर का डिफरेंस मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स का आप जो है ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मेरी बात समझे, मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स आप ऐसे भी लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में आप कुछ इस तरीके से 2 5 3 1 7 2 आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट्स वही मैट्रिक्स बनती है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। मतलब कि इसमें देखिएगा नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। तो मैट्रिक्स में पॉसिबिलिटीज है ऐसा होने की, बट डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट्स में ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज जो है नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम रहता है डिटरमिनेंट्स के अंदर। मेरी बात समझे या नहीं समझे, 2 × 2 का बनेगा या 3 × 3 का बनेगा या 4 × 4 का बनेगा, मतलब 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम। तो डिटरमिनेंट्स के लिए कंपल्सरी कंडीशंस हैं। तो आपको मैंने यहां पर अभी 3 बातें आपको मैंने बता दी हैं। चौथी बात आप ये भी समझ लीजिएगा कि डिटरमिनेंट्स का अगर आप यहां पर ऑर्डर चेंज कर देते हैं रो को, मैट्रिक्स के अंदर जो जैसा उसको वैसा रखना पड़ता है, बट डिटरमिनेंट्स के अंदर अगर आप किसी रो को कॉलम बना दे, किसी कॉलम को रो बना दे, अगर आप इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं रो और कॉलम को, पूरा का पूरा रो पूरा का कॉलम किसी पोजीशन चेंज करते हैं, आप इंडिविजुअल एलिमेंट की बात मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे रो की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे मन में ऐसी बात चली कि चलो कुछ करते हैं, इसमें थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं,
तो ये 3-2 आपका क्या रो है ना, मैं इसको लिख देता हूँ 2-3 रो है, कॉलम कर दिया मैंने। 5-1 आपके पास में है, तो इसको मैंने क्या कर दिया आपका, मैंने इसको 5-1 कर दिया। मेरी बात समझे या नहीं समझे, कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछे। अगर आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो 2-15 तो क्या आया वैल्यू, -13, तो कोई फर्क पड़ा आपका, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो डिटरमिनेंट्स के अंदर अगर रो कॉलम अगर आपका आगे पीछे अगर आप उसमें कोई चेंजेस करते तो रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बट मैट्रिक्स में ऐसा आप नहीं कर सकते हो। कुछ छोटी छोटी बातें जिसका आपको ध्यान रखना है बस, क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं यहां पर, जैसे कि आप देखेंगे मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहां पर मैं ले रहा हूं, डिफरेंशिएट बिटवीन द डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, कि हम जो आज का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डिटरमिनेंट्स, ये मैट्रिक्स से कैसे अलग है। ठीक है, अ मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिड्यूस टू अ सिंगल नंबर, देखिए मैट्रिक्स में उसको हम एक सिंगल नंबर में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, बट अ डिटरमिनेंट्स कैन बी डिफाइंड टू अ सिंगल नंबर, मेरी बात समझे। इन अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज मे नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मैट्रिक्स में जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ऑलवेज इक्वल हो, बट डिटरमिनेंट्स में ऐसा मैंडेटरी है। इन अ डिटरमिनेंट नंबर ऑफ रो मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, मेरी बात समझे या नहीं समझे। अ डिफरेंट मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड बी द इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम, मतलब रो और कॉलम को चेंज करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स बन जाएगा, अलग अलग मैट्रिक्स, बट यहां पर द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज इफ द रोज एंड द कॉलम आर इंटरचेंज, और रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज अगर आप कर देंगे तो इसकी वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी, मेरी बात समझे। देखिए ये कुछ सवाल आपके आपके पास में जरूर होंगे, मुझे पता है, पूरी उम्मीद है कि 12वीं क्लासेस में भी ये सवाल होंगे, लेकिन 12वीं क्लास में आप इतने समझदार, मतलब कि इतने आप अवेयर नहीं थे जिससे कि आप इन सवालों को उठा सको, लेकिन कोई बात नहीं, आपके वो जो कमी रह गई थी, मैं खैर कमी नहीं कहूंगा, वो कहूंगा जो आपका बचपना था उसको दोबारा से अच्छे से जीने का आपको मौका दोबारा मिल रहा है, और मैं आपके पहले क्वेश्चंस पे आने से पहले छोटी छोटी बातों को भी लेकर के आ रहा हूं जिससे कि आपको आपके आत्मा तृप्त हो पाए, है ना। चलिए अब बात करते हैं डिटरमिनेंट्स की। देखिए उससे कई बार कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लाइक आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में डिटरमिनेंट्स लिख देता है, मतलब कि हर वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम है रो एंड कॉलम उसको डिटरमिनेंट्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, मेरी बात समझे। तो चलिए जैसे आपके पास में ये क्वेश्चन है, क्या 2-4-3-7 एक डिटरमिनेंट्स, इसका मैं डिटरमिनेंट्स ले रहा हूं क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, 2x2 का इसका ऑर्डर है। ठीक है जी, अब समझते हैं पहले कि आपका माइनर क्या होगा, माइनर को समझते हैं अच्छे से, क्लियर है। मैं यहां पर आपको माइनर के बारे में बताता हूं, माइनर क्या है। सबसे पहले मैं माइनर बता रहा हूं तो माइनर को मैं एम से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट है, इसका एड्रेस क्या है, ये फर्स्ट रो का पार्ट है, फर्स्ट कॉलम का पार्ट है, क्लियर है जी। तो आप जिसकी भी बात करेंगे ना, जिस एलिमेंट की बात करेंगे उस एलिमेंट, वो एलिमेंट क्या करेगा, अपने रो और अपने कॉलम को खा जाएगा, मेरी बात समझे। आप जिस एलिमेंट पे उंगली रख देंगे वो एलिमेंट जिस रो में है वो रो गायब, वो एलिमेंट जिस कॉलम में है वो कॉलम गायब, मेरी बात समझे। फॉर एग्जाम्पल मैं माइनर 1-1 की बात कर रहा हूं, मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो ये जो एलिमेंट है ये अपने रो को खा जाएगा, ये एलिमेंट जो है अपने कॉलम को खा जाएगा, बचा क्या आपके पास में, बचा आपके पास में मात्र 7, तो इसकी वैल्यू क्या आई आपकी, इसकी वैल्यू आपकी 7 आई, मेरी बात समझे या नहीं समझे। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सवाल आपका इस चीज का है, मैं उस बात पर भी चर्चा करूंगा, फिलहाल तो आपका ये पॉजिटिव ही रहेगा, मैं वो कोफैक्टर बताऊंगा, वो साइन कोफैक्टर में देखना है आपको, क्लियर है जी, मेरी बात समझे। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं ताकि आप प्यार से इसको दोबारा, ये टाइप हुआ पड़ा है, कोई बात नहीं, शुरुआत फिर से करेंगे जी। तो 2-3-4-7 अब मैं बात करता हूं इस सेकंड वाले, सेकंड एलिमेंट तो मैं ऐसे कह रहा हूं, बट प्रॉपर एड्रेस इसका क्या होगा, क्या होगा बताइए जरा। मैं माइनर रो, इसका एड्रेस क्या है, 1 एंड कॉलम 2, तो ये क्या करेगा, अपने रो अपने कॉलम को खत्म कर देगा, तो क्या बचा आपका, 4 बचा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं निकालता हूं यहां पर m, मैं इसकी बात करता हूं, क्लियर है, तो ये क्या हो गया आपके पास में, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये अपने जो है रो और कॉलम खत्म कर देगा, तो वैल्यू क्या है, 3। और इसी तरीके से आपका m 2 2, देन ये आपको विजिबल है, चलो यहां तक तो विजिबल है,
अब बात करते हैं यहाँ पर हम, हमारे पास में क्या है, ये इसकी बात कर रहे हैं, तो ये अपने रो अपने कॉलम को खत्म कर देगा, तो रो कॉलम खत्म करेगा तो क्या है, टू, इसको हम माइनर कहते हैं। मेरी बात समझे, क्लियर है जी, पहले मेरी बात समझ रहे हो कि माइनर किसे कहते हैं। बात मैं कर देता हूं अब यहां पर किस चीज की, कोफैक्टर की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कोफैक्टर भी देख लीजिए, कोफैक्टर क्या होता है, पहले तो आप माइनर निकाल लीजिए, तो कोफैक्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। हाँ जी बच्चे, कोफैक्टर की अगर मैं बात करूं तो कोफैक्टर में अगर आप देखेंगे तो कोफैक्टर है तो सी से डिपेंडेंट करेंगे, तो मैं वन 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 टू 21 एंड 22 वही चीजें हैं, वही पोजिशन है, तो मैं यहां पर क्या रहेगा, जो माइनर की वैल्यू आई है वही सेम वैल्यू रहेगी, क्लियर है। तो आपके पास में 7, आपके पास में 4 और आपके पास में 3 और आपके पास में 2। अब आप बोलोगे सर जब वैल्यू सेम ही रहेगी तो फिर बात तो दोनों एक ही है, माइनर और कोफैक्टर एक ही बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बस कोफैक्टर में साइन पे जो है चीजें डिपेंड हो जाती है, बाकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले आप अपना माइनर ही निकाल लें और बाद में अपना कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो कोफैक्टर की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखेंगे यहां पर क्या होगा आपका, ये आपको पता है कि इसको आई कहते हैं, इसको जे कहते हैं। अगर इसका सम इवन है, मेरी बात समझिएगा, आई प्लस जे, क्लियर है, आप सिंपल सी बात समझिएगा, आई प्लस जे, अगर आपका जो है इसका सम अगर ओड आ गया, ओड आ गया, देन आप क्या करोगे, जो रिजल्ट आपका है उस रिजल्ट को आप क्या करोगे, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दोगे। मेरी बात समझे, क्लियर है, रिजल्ट को क्या करोगे आप, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई बताइए जरा, रिजल्ट को क्या करेंगे आप, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है जी, मेरी बात समझे। अब फॉर एग्जांपल यहां पर देखेंगे, अगर ओड हुआ तो, अदरवाइज अगर आपका इवन रहा आई प्लस जे तो कोई उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, देखिए यहां पर आप देखें क्या है, ये तो इवन है सम, ये ओड है तो ये हो गया माइनस, समझे, ये आपका क्या है ओड है तो ये आपका क्या हो गया माइनस, इसका सम क्या हो गया आपके पास में, इसका सम आपके पास में इवन है तो ये एज इट इज रहेगा। तो आप देखिए माइनर एंड कोफैक्टर में क्या फर्क है, 4 से -4 और 3 से -3, बस इतना ही फर्क है। तो कुछ छोटी छोटी बातों को आप समझ लीजिएगा, माइनर कैसे होता है, कोफैक्टर कैसे लिखते हैं, मेरी बात समझे या नहीं समझे। अब आप कहेंगे चलो ठीक है सर, आपने इसका जो है माइनर लिखना सिखा दिया, आपने एक डिटरमिनेंट्स का कोफैक्टर लिखना सिखा दिया, सर एक डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब सवाल ये है, क्लियर है। तो अब बात ये है कि डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कह रहा हूं कि आपके पास में ये ए मैट्रिक्स है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये क्या है आपका, ये आपका ए मैट्रिक्स है, और मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, मैं आपसे ये वहां पर ये पूछ रहा हूं कि सर ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, तो वो कैसे निकालोगे आप, तो बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां पर इसको इस तरीके से 2 क्रॉस 2 वाले में, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं क्या करेंगे आप, यहां से स्टार्ट करेंगे आप और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 7, ठीक है जी, क्लियर है। और आप इसके बाद क्या करेंगे, फिर जो बच गया क्रॉस आप जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आपका बच गया फिर आप इसको क्रॉस करेंगे, तो क्या हो गया आपके पास में 3 × 4, क्लियर है। और इसका सब्ट्रैक्शन बीच में आप माइनस कर दोगे तो 14 − 12 एंड इक्वल टू क्या है आपका 2, तो ये आपके पास में क्या है, ये आपका ए डिटरमिनेंट की वैल्यू है। तो मैंने आपको एक मैट्रिक्स के माइनर को लिखना सिखा दिया, उसके मैंने कोफैक्टर लिखना सिखा दिया और उसके मैंने डिटरमिनेंट की वैल्यू भी लेना सिखा दिया। जब मैट्रिक्स क्या हो आपका, जब आपका मैट्रिक्स 2 × 2 में हो, ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई बताइए जरा, कोई डाउट किसी स्टूडेंट्स को तो प्लीज जरूर पूछेंगे आप। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर 3 × 3 का अगर हो तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, मैं इसकी भी एक चीज लेकर के आपको बता देता हूं, सिखा देता हूं, समझा देता हूं, समझिएगा क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे माइनर की, ठीक है, माइनर की मैं बात करूंगा यहां पर, और माइनर में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं माइनर बोल रहा हूं तो मैं 1 1 की बात करूंगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो माइनर 1 1 की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मतलब कि मैं फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में यही नंबर है, तो बाकी ये क्या करेगा अपने रो को और अपने कॉलम को डिलीट कर देगा, तो क्या बचेगा मेरे पास में, मेरे पास में बचेगा क्या, मेरे पास में लल्ला बच्चे ये बचेगा 2, 3, 1 और 2, ये बचेगा मेरे पास में, मेरी बात समझे। तो मेरे पास में इसको खत्म करना है, जो नंबर बचे उसको एडिट लिख दीजिएगा, ये हो गया आपके पास में। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस आपको आता है, लेकिन यहाँ पे गलतियां हो जाती है तो अवेयर रहेंगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से 2 × 2 और आप क्या करेंगे बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, मेरी बात समझे, और कुछ इस तरीके से आप करेंगे इसको, आप जो है 3 × 1,
तो इसकी वैल्यू क्या निकाला आपने, इसकी वैल्यू आप निकाल करके लाते हैं 4 - 3 और इसकी वैल्यू आपकी 1 आया। क्लियर है? इसी तरीके से अगर आप एम टू लेकर के आते हैं, ठीक है जी, आप माइनर 1 2 मतलब कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, बात में इसकी कर रहा हूं, तो इसकी बात कर रहा हूं, तो ये अपने रो को और ये अपने ही कॉलम को क्या करेगी, खत्म करेगी। जिस एलिमेंट की बात कर रहा हूं वो अपने रो और वो जिस कॉलम में, तो खत्म करेगी। या किस रो में है ऐसे देखेंगे, वर्टिकल आपका हॉरिजॉन्टल और कॉलम उसका वर्टिकल देखेंगे, खत्म। तो क्या बचा मेरे पास में, मेरे पास में जो है वो आपका वो 3, 1 and 1 or 2 बचा। देन वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6 - 1 और इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास में, मेरे पास में 5 इसकी वैल्यू आई है। मेरी बात समझे? अब इस सीख रहे तो बड़ा आपको होचपोच सा लग रहा है, लेकिन जब समझ जाओगे तो आपको मालूम है कि हम कैसे लेते हैं। ये हमारा आता है लास्ट के 2 सेट, नीचे के आखिरी 2 सेट, फिर लास्ट के 2 सेट, करते करते आपको पता लग जाएगा। क्लियर है? तो आपका 1 3, ये 1 3 पर आपका यहां पर क्या आने वाला माइनर, तो बेटा माइनर 1 3 पर आपके आने वाला है, इसमें हम बात किसकी करेंगे कि आपका फर्स्ट और थर्ड कॉलम, ये तो ये अपने कॉलम खत्म करेगा फिर रो खत्म करेगा। तो क्या आया आपके पास में, 3 1 and 2 3। क्लियर है जी? अब मैं यहां पर बात करूंगा तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या जाएगा 9 - 2, तो क्या आया आपका, ये 7 आया। ये सारी बातें माइनर की कर रहा हूं, ठीक है? और इसी तरीके से मैं यहां पर अभी और भी चीजों की नीड होगी, मैं यहां पर बात करता हूं माइनर 2 1। क्लियर है जी? अब देखिए चीज आपके लिए आसान होंगी, मैं 2 1 की बात कर रहा हूं, तो 2 मतलब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस वन इसकी बात कर रहा हूं, ये अपने रो को खत्म करेगा, कॉलम खत्म करेगा। तो क्या बचा ये आपका, ये आपका बचा यहां पर 2 3 2 3 and 3 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास है 4 - 9 4 - आपका 9, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, इक्वल्स टू -5 आ गया। और इसी तरीके से आप जो है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम माइनर की बात करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया आप इसकी बात कर रहे हैं तो ये अपने कॉलम को और अपने रो खत्म करेगा। क्लियर है जी? मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्या बचेगा आपके पास में, 1 1 3 2 1 1 3 2, और कुछ इसकी वैल्यू आप कुछ इस तरीके से निकालेंगे आप -3 और -1। और इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूं माइनर 2 3 की, तो देन आप इसमें 2 3 में सेकंड और थर्ड कॉलम इसकी बात करूंगा, ये अपने कॉलम खत्म करेगा, अपना रो खत्म करेगा। तो क्या बचा आपका, 1 1 2 3, तो यहाँ पर भी आपके यहाँ पर आपका 1 1 और आपका 2 3, और इस तरीके सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा मेरे पास में, 3 और 1 क्या आएगा जी, 3 और 1 मेरे पास में, 3 और -2, तो क्या आ गया मेरे पास में, 1 वैल्यू आ गया। तो क्या इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं? अब इसी तरीके से आप जो है -3 1 ले सकते हैं आप, ठीक है? तो 3 1 में अगर आप लेंगे, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है जी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दिस वन, ये डिलीट ये डिलीट, तो ये बचा, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस, पहला गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 और -6, तो 2 में से -6 गया, तो क्या बचेगा आपका -4, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है जी? क्लियर है? कोई डाउट? और इसी तरीके से जब मैं इसको लूंगा, यहां पर मैं इसको लेने जा रहा हूं यहां पर किसको, 3 2 को, तो ये आपका कॉलम और इसका ये रो खत्म हो जाएगा, तो ये गुणा करेंगे तो 1 और ये आपका 9, तो -8, 1 में से 9 गया -8। और इसी तरीके से जब हम इसको लेंगे तो ये इसको खत्म करेगा और इसको खत्म करेगा, तो क्या आ गया आपका 2 - 6, तो -4, तो M33 इक्वल्स टू क्या आया, -4। मेरी बात समझे या नहीं समझे, कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? क्लियर है? तो अब मैंने यहां पर इसके माइनर लिख देने हैं, ठीक है? तो माइनर क्या है, मैं इसको लिख देता हूं, थोड़ा सा इसको पहले करता हूं स्पेस, बात नहीं बनेगी, अच्छा ये बोर्ड पे आ गया, चले कोई बात नहीं। क्या इसके को फैक्टर आप लिख सकते हैं, बताइए जरा, क्या आप को फैक्टर लिख सकते हैं? मैं पेज चेंज करना नहीं चाह रहा हूं ताकि आपको एक ही पेज में सब कुछ दिखे, लेकिन स्पेस की कमी मुझे यहां पर नजर आ रही है, मैं थोड़ा सा फिर भी कोशिश जरूर करूंगा कि मेरा हाथ जा पाए यहां पे। दिख रहा है ना आपको, ठीक है? अब मैं बात किसी करता हूं यहां पर, मैं यहां पर बात कर रहा हूं जी को फैक्टर की, तो को फैक्टर में क्या क्या लेंगे हम, C11, C12, C13, C21, C22 and C आपका 2 3, सी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सी थर्ड रो सेकंड कॉलम, C 3 3। क्लियर है? तो आइए, जो माइनर है आप बस वो वैल्यूज इसमें लिख दीजिए, जो माइनर है आप उसमें क्या करें वो वैल्यूज लिखते हैं। तो 1 1 की वैल्यू क्या आई आपके पास में, आपकी 1 आई, ठीक है? और आपके 1 2 की क्या आई थी आपके पास में, 5,
एंड 7, और इसी तरीके से आपके पास में क्या वैल्यू आई है, -5 एंड आपका -1 और आपके पास में 1, देन आपके पास में -4 एंड -8 एंड -4। लेकिन ये तो एज इट इज माइनर हो गया, बाकी कोफैक्टर की बात करते हैं तो जहां पर भी आपका सम ऑड मिलेगा -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये सम इवन है, नहीं होगा कुछ भी, नो चेंज यहाँ पर होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर इवन है नो चेंज, यहाँ पर देखेंगे आपका ओड है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना आप इसको, तो आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका इवन है नो चेंज, आपका यहाँ पर ओड है तो यहाँ पर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये इवन है नो चेंज, ओड है -1 से आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 8 हो गया। मेरी बात समझे सर, आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर, बस आपको इतना बता देता हूँ कि ये आपका -1 से क्या हो जाएगा, ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका 8 हो जाएगा, क्लियर है समझे, और इसी तरीके से ये इवन है नो चेंज, तो ये आपके पास में क्या हो गया, ये आपके कोफैक्टर हो गए, मेरी बात समझे क्लियर है। अगर आप मुझसे कहते सर कि आप जो है कोफैक्टर था तो चलो ठीक है, चीजें समझ में आ गई हैं, अब आप हमें थोड़ा सा जो है इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो वैल्यू आप बता दीजिए भाई, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताइए, थोड़ा ऊर्जा और एनर्जी के साथ आप रहे ना क्लासेस के अंदर, कोई कमेंट नहीं, बिल्कुल शांत पड़े बच्चे, बताइए जरा विजिबिलिटी है, बाद में ऐसा ना हो कि आपको नोट करने में दिक्कत हो, सब कुछ अच्छे से क्लियर दिख रहा है, खैर सिस्टम पे थोड़ा छोटा दिख रहा है, मोबाइल पे तो और छोटा दिखेगा मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा इसको लेते हैं स्पेस लेते हैं, हाँ जी, तो आइए बात करते हैं सर इसमें, चलिए ठीक है, माइनर बता दिया कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर बता दिया कैसे निकालेंगे, सर आप बता दीजिए इसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकालेंगे, तो प्यारे बच्चे उसको भी हम सीख लेते हैं कि इसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकालेंगे, चलिए एक नया एग्जांपल ले लेते हैं उसका डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, खैर ये क्वेश्चन है, इसका आप डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हो क्या, क्या आप इसका डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे जरा बताइए, ये 3 और आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे क्या -4 और एंड माइनस का साइन बीच में जरूर लगाना, और आपका इस तरीके से 2 एंड मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा माइनस का 5, और इस तरीके सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12 और ये आपके पास में 10 और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो इस तरीके से आपका -2 इसका फाइनल क्या है आंसर है, मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है जी, कोई डाउट तो आप जरूर पूछें, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते अब वही डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, तो आपको कुछ नहीं करना, बस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 -1 मल्टीप्लाई बाय 5, अब पहले मल्टीप्लाई करना है आपको 18 -5 और आपके पास में 13 इसका आंसर है, लेकिन आप में से वो स्टूडेंट को प्लस माइनस बोर्ड मास एक्स का मान निकालने में दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, मैं आपको एक फोल्डर दे दूंगा जिसमें मैंने सब कुछ सिखा रखा है आपको, ठीक है जी, आप जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे आई एवलेट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, तो यहां पर सिंपली आप क्या करने वाले हैं कि -2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड माइनस तो रहेगा रहेगा और बाकी अपने इंडिविजुअल साइन में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं आपको, तो सॉल्व करेंगे आप तो ये आपके पास में -4 हो गया, और माइनस अगर ओड टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का ही साइन रहता है आपको ही मालूम है, -3 बार मल्टीप्लाई हो जाए, -5 बार, 1 बार, 7 बार, तो साइन माइनस का रहता है, हाँ इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होने के बाद वो आपका प्लस का हो जाता है, तो ये ओड टाइम 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, तो ये आपका माइनस का ही रहेगा, और ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर, देन माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा 4 प्लस ए स्क्वायर, मेरी बात समझे, माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है सारे साइन इसके चेंज हो जाएंगे, क्लियर है, लेकिन हाँ मैं तो था इस सवाल पर यही सवाल ले रहा था मैं कि सर डिटरमिनेंट्स कैसे निकालेंगे जरा ये बताइए, आइए जरा इस सवाल को देखते हैं और निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट, सबसे पहले आप क्या करेंगे जो फर्स्ट है इसका, अगर आप किसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे डिटरमिनेंट्स वैल्यू आपकी फर्क नहीं पड़ेगी, चलिए अगर आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं सबसे पहले मैं क्या लेता हूं 1, क्लियर है, मैं यहां पर ए है लाइक ए डिटरमिनेंट्स निकाल रहा हूं, ठीक है क्या है ये मेरा, मैं इसको लेके चलता हूं, पहले इसको 1 लेकर के आया मैं, तो 1 लिख करके आऊंगा तो फिर यहाँ पर मेरे पास में क्या बचेगा, ये अपना डिलीट होगा, ये भी डिलीट होगा, तो मेरे पास में 5 -2 एंड 4 और 1 बचेगा, क्लियर है मेरी बात समझे, उसके बाद आइए मैं सेकंड पर आता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या लेकर के आता हूँ सेकंड पे, मैं इस पर आ रहा हूँ, सेकंड पे मैं क्या लेकर आ रहा हूँ 2 आ रहा हूँ, बट फर्स्ट तो नो चेंज, बस इसके आगे जब भी सेकंड वाला होगा तो साइन माइनस का आपको लगाना पड़ेगा, तो 2 आया तो 2 लूंगा तो मैं क्या चेंज होगा ये और ये जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास में 4 3 एंड 4 और 1, मेरी बात समझे, और उसके बाद जो है मैं यहां पर लेने जा रहा हूं क्या -3, तो आगे तो देखिएगा ये एज इट इज, ये एज इट इज, इसमें बस माइनस का साइन आ जाएगा बीच में, सब कुछ सेम रहेगा, मेरी बात समझे क्लियर है, चलिए मैं अभी आपको माइनस प्लस में नहीं फंसाना चाहता हूं, ये लीजिए हटा दिया, ठीक है जी, ये क्या है मेरे पास में, ये मेरे पास में -3, ठीक है, और सॉल्व करेंगे हम यहां पर, तो इसको लेंगे तो ये गया और ये गया, तो आपका 4 3 4 3 एंड 5 एंड 2 आपका ये बचा, क्लियर है, सबको मैंने अपनी जगह लिखा, जो 1 है तो 1, 2 है तो 2 एंड -3 तो -3 और बाकी मैंने इसको जो है डिटरमिनेंट्स में लिख दिया,
हमेशा ध्यान रखना जो मिडल वाला आपका होगा उसका साइन चेंज होगा, मतलब साइन चेंज क्या होगा उसमें ऑलवेज माइनस तो लगेगा लगेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं करना आपको। अब सॉल्व करते हैं इसको हम, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले आपके पास में वन आ गया, पहले ब्रैकेट में सॉल्व होगा तो क्या आएगा ये फाइव, और माइनस तो आपका बीच में रहेगा रहेगा पहले की तरह, और ये क्या हो जाएगा गुणा करोगे तो ये माइनस एट। क्लियर है जी, मेरी बात समझे, ये माइनस टू तो है ही, आइए ब्रैकेट में आ जाइए तो क्या होगा आपके पास में सबसे पहले फोर इंटू वन फोर एंड माइनस, और ये आपके पास में क्या होगा ट्वेल्व। आइए माइनस थ्री पहले ब्रैकेट में काम कर लेते हैं तो आपके पास में क्या होगा ये एट एंड माइनस आपके पास में क्या हो गया ये फिफ्टीन हो गया। चलिए जरा सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो वन और यहाँ पर क्या होगा आपके पास में ये फाइव और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपके पास में आठ और पांच आपका क्या हो जाएगा तेरह हो जाएगा। ठीक है माइनस दो यहाँ सॉल्व कर लीजिए पहले अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो क्या जाएगा माइनस का आठ और माइनस थ्री और यहाँ पर आपके पास में क्या जाएगा माइनस का सेवन। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या बचा हमारे पास में तेरह और दो माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का सिक्सटीन और ये आपके पास में क्या हो जाएगा प्लस का ट्वेंटी वन। आइए अब इसको हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे एक और छह सात, सात तीन दस जीरो और दो और एक तीन, तीन और एक चार और एक पांच, तो इसकी वैल्यू क्या आई आपकी फिफ्टी, इसकी वैल्यू है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, हाँ और ना क्या कह रहे हैं, दो की जगह माइनस दो होगा ये कह रहे थे ना आप, ये तो मैंने बता दिया आपको। हाँ सॉरी यहां पर गड़बड़ हुई है, आपके पास में फोर थ्री ये माइनस का दो होगा तो आपके पास में माइनस का आठ हो गया और आपके पास में ये माइनस तो रहेगा बीच में पंद्रह हो गया। तो देखिए छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं आपकी, या आपके पास में तो आपके पास में यहाँ क्या हो जाएगा तेईस और तेईस दिया साठ और सिक्सटी नाइन हो गया, ये आपके पास में प्लस सिक्सटी नाइन होगा। ये आपका थर्टीन, ये आपका प्लस सिक्सटीन और यहां पर आपका ट्वेंटी थ्री हुआ। ठीक है और आपका साठ और तीन तीन नौ प्लस सिक्सटी नाइन हो जाएगा। ठीक है जी, तो नौ छह पंद्रह, पंद्रह तीन अठारह, तो आठ सॉल्व करेंगे, छह और एक सात, सात और एक आठ और एक नौ, नाइनटी एट इसका आंसर है। क्लियर है जी, कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज आप बताएं, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का यहां पर कोई भी डाउट है तो जरूर जरूर आप इस बात को जो है वो आप बताएंगे। क्लियर है जी, कोई डाउट, ठीक है जी। तो अब आपको माइनर निकालना आ गया, आपको बेसिक चीजें कोफैक्टर पता लग गया आपको क्या हो गया और आपको यहां पर डिटरमिनेंट्स भी कैलकुलेट करना आपको बच्चे अच्छे से आ गया। तो एवलेट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, तो आप आइए जरा इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, आज की क्लास में डिटरमिनेंट्स को फिनिश कर देंगे। और मैंने आज जो है पहले जो आप आंसर मांग रहे थे तो इसलिए मैंने आज आपको जो है आंसर्स भी आपको मैंने शीट पे लगाया है, तो इस बात का भी ध्यान रखा इस बार। चलिए हम आते हैं अपने सवाल पे और इसका आप जरा निकालें डिटरमिनेंट्स।
चलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। हम देखिए, आइए फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर, हम इसको ले रहे हैं टू को, देन टू के रिस्पेक्ट में जो मेरे पास में रहेंगी चीजें वो लास्ट के दो रहते हैं नीचे वाले। इतना सोचना नहीं है, एक्सपीरियंस आपके पेपर में जाएगा तो वहां पे टाइम बचेगा। उसके बाद वन, जब आप ये लेंगे तो आखिरी के दो रहते हैं हमारे पास में बीच वाले, तो -3, 0 एंड -1 और 1, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लेंगे यहाँ पर 5, तो यहाँ पर फिर शुरुआत के दो बच जाते हैं आपके पास में, -3 और 0। तो करते करते ही समय बचेगा, शुरुआत में लगेगा यार बहुत लंबा चौड़ा कहानी है इसकी। अब आपको पता है कि बीच वाले में क्या कर देना, वो कुछ नहीं, बस माइनस का साइन आपको लगा देना है, ठीक है जी, क्लियर है। आइए अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो ये 2, तो सबसे पहले आप इसके अंदर सॉल्व करेंगे क्या, एक ब्रैकेट लगा लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये आपके पास में होगा यहाँ पर 4 × -1, डायरेक्ट कर सकते हो या फिर मैं करके दिखाऊं, डायरेक्ट हो जाएगा ना आपका 4 × -1 -4। और यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके -6, और बीच में माइनस का साइन आपका आता ही आता है, मेरी बात समझे। और -1, चलिए इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 3 × -1 तो -3, और ये आपका 0, और बीच में माइनस का साइन आपका आता ही आता है, क्लियर है। बीच में माइनस और ये आपका प्लस रहता है, तो +5 सॉल्व करते हैं तो -18, और आपके पास में 0, बीच में माइनस का साइन आएगा। सॉल्व करेंगे 2 -4, और ये क्या हो जाएगा आपका +6 हो जाएगा आपका, और ये -1, और ये आपका -3 ही रहेगा, और ये +5, और ये आपके पास में -18 ही रहेगा। सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया आपके पास में, 2 ब्रैकेट में आपके पास में 2 हो गया, -1 आपके पास में इंटू -3, तो आपके पास में क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ये +3, और यहां पर सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, -18 आपका 90, क्लियर है जी। किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज बताएंगे आप। तो इसका आंसर जो है आपके पास में, ये क्लियर है भाई, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज बताएंगे आप, बताएंगे किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज आप बताइए। यहां तक देख लो आप, यहां पर कुछ तो ये -1 और -1 होगा ये आपके पास में, तो ये आपका +3 हो जाएगा, -3, और ये आपके पास में +3, और ये आपके पास में -3 होगा। -89, ठीक है। क्लियर है जी, तो क्या आंसर आएगा आपका, -89, क्योंकि एक बस छोटी सी वो नंबर नोट करने गलती हुई, -1 था, मैंने +1 ले लिया था। क्लियर है जी, कोई डाउट तो प्लीज पूछें। सर +5 क्यों लिखा है बच्चे, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला आपका जो है ना, ये आपका क्या है, 1 3 है। इसका अगर ऑर्डर देखोगे तो इसका ऑर्डर क्या आपका 1 1 है इसका ऑर्डर, तो 1 1 का कोफैक्टर ये क्या आएगा, पॉजिटिव आई प्लस जे इवन है, और इसका भी आपका क्या इवन है। तो मैंने क्या समझाया था कोफैक्टर में थोड़ी देर पहले, ये किसका ऑड होता है वहां माइनस लगता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा, बाकी दोनों में क्या रहेगा आपका नो चेंज, इसका जो अपना साइन है वही रहने वाला है। क्लियर है जी, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि डिटरमिनेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ सवाल आपसे पूछ रहा है कि द माइनर ऑफ ए 2 1, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दिस वन, ये रिमूव होगा, ये रिमूव होगा, तो क्या बचेगा आपके पास में 2 2 3 1, क्लियर है जी। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 - आपका 6, तो क्या आपके पास में -4 इसका आंसर है। बस छोटी छोटी चीज आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप चीजें क्लियर हो। -2 2, तो 2 2 में आपका ये आएगा, ये भी जाएगा, और आपका ये भी जाएगा, मेरी बात समझे। क्या बचेगा आपके पास में,
आपके पास सिर्फ ये और ये और ये बचेगा, तो इसमें कि आपका ये एक हो जाएगा और ये आपके पास -9, तो आपका -8 इसका आंसर है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो इस तरीके से चीजें आप जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्लियर है जी? कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? तो चलिए फिर आज का आपका जो है, मैं होमवर्क में यही कुछ क्वेश्चंस देके जा रहा हूँ और इसके आंसर्स आपके सामने भी हैं, स्क्रीन पर हैं, जहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको आप मैच कर सकते हैं। इतनी प्रैक्टिस इस क्लास में कीजिए, नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे बढ़ेंगे और मैट्रिक्स में कुछ एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करेंगे। क्लियर है जी? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। किसी तरह कोई डाउट